आखिर क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण अनमोल विश्नोई भारत नहीं आ रहा है? अनमोल विश्नोई को जान का खतरा है, जो सूत्र दावा कर रहे हैं। भारत में अगर वो आता है तब भी जान का खतरा है। अमेरिका के जो स्क्वायरल जेल में बंद है अनमोल विश्नोई, वहाँ पर भी अनमोल विश्नोई को जान का खतरा है। अनमोल विश्नोई में जेल में बंद रह के अपने सारे कारनामों को अंजाम देगा? अनमोल विश्नोई जो अमेरिका के जेल में बंद है, पुलिस अमेरिका के साथ देती है, तो वो अमेरिका में भी बहुत बड़ा अपना गैंग बना सकता है। क्या ये लाइमलाइट के लिए है? वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ पैसों के लिए किया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे अब लोग लाइमलाइट लूट रहे हैं, लॉरेंस के नाम पे लोग इस समय क्राइम कर रहे हैं। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका के कैलिफोर्निया स्क्वायरल के जेल में कैद है, जिसके बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं, लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को भारत कब लाया जाएगा, आखिर उसे क्यों भारत नहीं लाया जा रहा है, और साथ ही क्या उसकी जान का खतरा है भारत में। ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ हमारे सहयोगी पारितोष हैं। तो पारितोष, सबसे पहला और मुख्य सवाल कि आखिर क्यों, आखिर क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण अनमोल बिश्नोई भारत नहीं आ रहा है? कहां, किस दस्तावेज में पेच फंसे हुए हैं जिसके कारण ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं? देखिए, दस्तावेज की बातें तो हम करते रहेंगे, क्योंकि वो तो भारत के जो नामी अधिकारी हैं वो लोग चाह रहे हैं कि भारत आ जाए अनमोल बिश्नोई, लेकिन भारत नहीं आ पा रहा है किसी कारण। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले मैं कुछ चीज़ें साफ कर देना चाहता हूँ। अनमोल बिश्नोई को जान का खतरा है, जो सूत्र दावा कर रहे हैं, और भारत में अगर वो आता है तब भी जान का खतरा है। लेकिन अमेरिका के जो स्क्वायरल जेल में बंद है अनमोल बिश्नोई, वहाँ पर भी अनमोल बिश्नोई को जान का खतरा है। पहली बात तो वहाँ पर रातों को भूतों की आवाज़ सुनाई देती है, रूहों की आवाज़ सुनाई देती है, ये तो अलग विषय हो गया। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे खूनखार कैदी भी हैं, वहाँ पर ऐसे ऐसे कैदी हैं जो पैसे लेकर किसी की भी हत्या कर सकते हैं। तो वहाँ पर अगर लॉरेंस का कोई बड़ा दुश्मन, कोई नामी दुश्मन या बम्बिहा गैंग का कोई मेंबर अगर उस जेल के किसी कैदी को ये काम देता है किसी के जरिए कि लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई को जेल में ठोक दो, जेल में उसकी हत्या कर दो, तो कहीं ना कहीं मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए ये भी माना जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई अमेरिका में भी सुरक्षित नहीं है, जो स्क्वायरल केज जेल है, जहाँ पे भूतों की आवाज़, रूहों की आवाज़ सुनाई देती है रुचि, वहाँ पर भी अनमोल बिश्नोई सेफ नहीं है। वहाँ पर भी उसकी हत्या की साजिश रची जा सकती है, वहाँ पर भी उसकी हत्या हो सकती है, वहाँ पर भी लॉरेंस के जो दुश्मन गैंग है बम्बिहा गैंग, वहाँ पर भी जाकर उसको ठोकने का सुपारी दे सकते हैं। अगर भारत लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई आया तो भारत में भी उसकी जान को खतरा है। अगर भारत आता है और लॉरेंस का कोई दुश्मन उसे कहीं से ठोक देता है तो ये भी बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। लेकिन लॉरेंस कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को लेकर जेल से ही नोटिस कर रहा होगा, वो चाह रहा होगा कि मेरा भाई सुरक्षित रहे। लेकिन अनमोल बिश्नोई का जब समय था, जब अनमोल बिश्नोई अमेरिका के जेल में पकड़ा नहीं गया था, जब भारत में था, तो वो जिस सड़क पे चाहता था, जिस चौराहे पे चाहता था, जिस गली में चाहता था, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे नोएडा हो, जहाँ वो चाहता था वहाँ पर वो हत्या करवा देता था, खून की नदियाँ वो बहा देता था, जिससे चाहे उसे फिरौती ले लेता था। तो अनमोल बिश्नोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है, जो अमेरिका कैलिफोर्निया के स्क्वायरल जेल में बंद है, जहाँ पर उसकी जान को खतरा है। रुचि, पारितोष, लगातार ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई जेल में रह के अपने सारे कारनामों को अंजाम देता है, क्या उसी तरह अनमोल बिश्नोई में जेल में बंद रह के अपने सारे कारनामों को अंजाम देगा? देखिए, अनमोल बिश्नोई भारत के जेल में नहीं है, अमेरिका के जेल में। वहाँ पर नेटवर्क सेट करना अनमोल बिश्नोई के लिए बहुत बड़ा टास्क है। मेरे हिसाब से वो कभी वहाँ से नेटवर्क नहीं सेट कर पाएगा, क्योंकि जिस जेल में बंद है, जो कैदी वहाँ पे हैं, वो अमेरिका के कैदी, वो इंडिया के कैदी नहीं है, और उनको ये अच्छे से जानता नहीं है, तो वहाँ पर नेटवर्क सेट करना बहुत मुश्किल है। और दूसरी सबसे बड़ी, लॉरेंस जो जिस जेल में बंद है, कहीं ना कहीं ये भी अफवाह उड़ती है, ये भी दावा किया जाता है कि पुलिस भी उसके साथ है, क्योंकि पुलिस उसके साथ नहीं रहती, तो लॉरेंस को जेल में
कैसे फ़ोन मिल जाता, कैसे वो इंटरव्यू दे देता। तो अमेरिका के जेल में अगर पुलिस उसका साथ दे देती है, अमेरिका की पुलिस उसका साथ देती है, तो कहीं ना कहीं अनमोल बिश्नोई जो अमेरिका के जेल में बंद है, पुलिस अमेरिका के साथ देती है, तो वो अमेरिका में भी बहुत बड़ा अपना गैंग बना सकता है। उसकी गैंग बढ़ती जाएगी, लेकिन इसके लिए पुलिस को और वहाँ के नेताओं को साथ देना पड़ेगा, बिजनेसमैन का साथ देना पड़ेगा। क्योंकि लॉरेंस के पीछे ये भी दावा किया जाता है कि बड़े बड़े दिग्गज नेता भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, पुलिस भी है, बहुत सारे लोग लॉरेंस से पैसा भी खाते हैं, तब जाके लॉरेंस इतना बड़ा लॉरेंस बना। पाई, तो एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये लाइमलाइट के लिए है? वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ पैसों के लिए किया जा रहा है। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई को लाइमलाइट की अब कोई कमी है नहीं, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे अब लोग लाइमलाइट लूट रहे हैं। आप देखिए तमाम खबर आता है, अभी शाहरुख खान को मारने की धमकी दी गई थी, उसमें भी दावा किया, मतलब सूत्र दावा कर रहे थे लॉरेंस का नाम था, लेकिन लॉरेंस का नहीं नाम था। तो लॉरेंस के नाम पे लोग इस समय क्राइम कर रहे हैं, किसी को फ़ोन लगा दिए बिजनेस के नाम, मैं लॉरेंस का आदमी बोल रहा हूँ, 50 लाख रुपए अगर नहीं मिला तुम्हारे फैमिली को उड़ा दूंगा। तो उस वो जिसको आप जिसमें बिजनेस मैन को आपने फ़ोन किया रुचि, वो तो डर जाएगा, उसे लगेगा लॉरेंस का आदमी है, सच में ना मेरे परिवार को ख़त्म कर दे। तो डर के मारे अगर उसके पास 100 करोड़ की संपत्ति है तो 50 लाख रुपये निछावर कर देगा, अपनी जान के लिए दे देगा। कुछ लोग होते हैं जो पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं, लेकिन कितने लोग हैं ऐसे जो पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं और पुलिस उनकी सुरक्षा की गारंटी देती है? बहुत कम लोग हैं जिनकी पुलिस सुरक्षा की गारंटी दे सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा बाबा सिद्दीकी के साथ भी तमाम सिक्योरिटी गार्ड थे, लेकिन अनमोल बिश्नोई ने हत्या करा दिया, लॉरेंस बिश्नोई ने उसकी हत्या करा ही दी रुचि। तो अब ये देखना होगा कि आखिर अनमोल बिश्नोई भारत आ पाता है कि नहीं। और साथ ही ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतनी सब सारी चीज़ें जो घटना घट रही है, ये फिरौती के लिए हो रही है, सिर्फ पैसे हैं या लाइमलाइट, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।